तो गाइस मुझे आप ये बता दो कि आप लोग इतना सीरियस क्यों हो जाते हो गेम के लिए? ड्रग्स सीधा बिल्कुल, मतलब ड्रग्स लेने जितना बराबर हो जाता है ये सब, कि पैसा इन्वेस्ट करना, गेम को लत लगा लेना, बिल्कुल गेम खेलते खेलते रहना। तो गाइस मुझे ये बता दो इतना ये बच्चे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करो? गाइस आप गेम खेलो, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेम मत खेलो, आप खेलो गेम, लेकिन हाँ अपने लिमिट के अनुसार खेलो कि जितना मेरा लिमिट है उतना खेलो। और गाइस मैं आपको ये बता दूँ, आप पहली बात मुझे ये बता दूँ, आप गेम में पैसे क्यों लगाते हो? पैसे जब लगाओ ना, जब आप कमाने लगोगे, आप चोरी छुपे लगाते हो, ऐसा क्यों भाई? ऐसा मत करा करो। जब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप टॉप अप मत करो, एलाइट पास मत लो, लेकिन गाइस जब आप खुद कमाने लगोगे, देख लो गाइस मेरी आप यूआईडी पे जाओ तो आपको मुझे मतलब 1 से 2 एलाइट पास मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बस टॉप अप नहीं करता हूँ मैं। और गाइस ये बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इसी के चक्कर में, क्योंकि वो दूसरे के भड़कावे में आ जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, लाइट पास नहीं है, तो गाइस वो छुपे छुपे ऐसा करने लगते हैं और ऐसे में वो ड्रग वो एडिक्टेड हो जाते हैं और बस इसी के चक्कर में वो धोखे धड़ाके में सुसाइड। ऐसे भाई फ्री फायर मतलब कि बैन हो सकता गाइस। और गाइस एक और सीरियसली बात है कि गाइस ये बच्चे मतलब यूट्यूबरों के भड़कावे में आ जाते हैं, वो मेरे पास हिपो बंडल है, आई गोट फ्रेंड फॉर ऐसा कुछ लिख के यूट्यूबर, और बस और फ्री फायर की चिल्ड्रन तो है 10 से 15 ईयर ओल्ड की, और जो बड़े हैं वो तो समझदार है, वो उतना नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो तो सोचते हैं अरे भाई इसके पास हिपो बंडल है, क्रिमिनल बंडल है। तो गाइस यार कुछ तो गलती यूट्यूबरों की भी रहती है कि वो अपना ऐसा एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि बच्चे लेने को बिल्कुल तैयार हो जाएं कि मुझे ये चाहिए। और गाइस ये भड़कावे में भी आ जाते हैं बच्चे की, अरे तेरे पास ये नहीं है, ये ले ले जल्दी, ऐसे भी भड़कावे में। तो गाइस वो सीधा टॉप अप मॉप अप करने लगते हैं, पैसे गंवाने लगते हैं फ्री फायर में। तो गाइस एक ही विनती है कि ऐसा मत करा करो, क्योंकि गाइस ये फ्री फायर है एक गेम है, तो गेम को गेम ही रहने दो, आप सीरियस मत हो जाओ उस गेम के अंदर कि बिल्कुल मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल आप उसके एडिक्टेड ना हो जाओ। तो गाइस मुझे यही कहना था, और आप अब मैं इस चैनल पे हूँ तो मैं आज इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि लाइक का ही मिलता है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना है तो करो, लेकिन गाइस जो आजकल इतने सारे केस आ रहे हैं, ये बच्चा यहीं मध्य प्रदेश का था जहाँ का मैं हूँ, और भाई ये छतरपुर ज़िले का था, इतना मतलब मेरे पास का है केस, मैं भी वहीं का हूँ, लेकिन ये बहुत ही पास का हो गया ये केस, तो बिल्कुल छतरपुर ज़िला का। तो गाइस इसमें देखो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगी अब तो, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे केस आ रहे, जैसे पबजी बैन हुआ था और कुछ सालों के लिए, ऐसे फ्री फायर भी लगता है बैन हो सकता है, क्योंकि गाइस ये बहुत सारा एडिक्टिव मामला आ चुका है फ्री फायर के लिए। एंड गाइस देखो ये फ्री फायर भी बैन हो सकता, मैं कह नहीं सकता हूँ 1 से 2 महीने के अंदर, इसके अंदर जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी तो गाइस हाँ 100% ये फ्री फायर बैन हो जाएगा, क्योंकि गाइस पॉलिटिक्स बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बिल्कुल नेता लोग इसमें अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस देखो फ्री फायर तो बैन हो ही जाएगा, क्योंकि गाइस फिर कोई नहीं बचा सकता, ना अपनी कम्युनिटी बचा सकती है यूट्यूबरों की, ना अपन बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता। तो गाइस ऐसा मत कराओ, आप गेम है तो बिल्कुल गेम के प्रति गेम हो, गेम खेलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम ही बिल्कुल बंद कर दो, नहीं भाई गेम खेलो, गेम है खेलने के लिए, लेकिन इतना एडिक्टिव ना हो जाओ इस गेम के लिए कि बिल्कुल भाई मुझे तो इसमें ये करना है, ये चाहिए मुझे तो ये चाहिए, चाहे भाई वो 12,000 डायमंड का क्यों नहीं मिल रहा हो, आप मत लो, क्योंकि गाइस ये कुछ नहीं है, इन्वेस्ट फालतू की चीज़ है गेम में। भाई मैंने भी अभी तक मेरे 2 लाइट पास है, 2 लाइट पास से मैं काम चला रहा हूँ अभी तक, जो और भी मैं लाइट पास लिए भी नहीं, मिस्ट्री शॉप के वो लाइट पास हैं अभी तक मैंने, मतलब उतना भी नहीं किया, मतलब 72 डायमंड के थे वो लाइट पास, तो मैंने ले लिए थे, वो टॉप अप से भी नहीं लिए थे गाइस, किसी ने मेरे उसमें गेम में फ्रेंड वो मेंबरशिप गिरा दी थी, तो मैंने फिर उसमें से ले लिए थे, अपने पैसे भी इन्वेस्ट नहीं किए थे। तो ऐसा मत करा करो गाइस। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि आज उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, मेरा लड़का नहीं रहा उस गेम के चक्कर में, तो गाइस ये उनको तो गेम के प्रति तो नफरत हो ही गई होगी, तो कन्फर्म है, मतलब सीरियसली बात है। तो गाइस मतलब
भाई मैं छोटे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि इतना एडिक्टिव मत हो जाओ। मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में भी हैं भाई बहुत सारे छोटे बच्चे, वो भाई मैं उनसे कहता हूँ कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो गाइस वो लोग क्या कहते हैं भाई मुझे डीजे आलोक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो गाइस ये मांगना भी बंद कर दो यार, क्या है ये मांगना, गेम है यार, गेम के प्रति क्या तुम लोग मांग रहे हो कि गाइस मुझे डीजे आलोक। अभी भी भाई डीजे आलोक का क्रेज नहीं गया है, अभी भी बच्चे मुझसे डीजे आलोक मांगते हैं कि गाइस डीजे आलोक दे दो, भाई तुम तो यूट्यूबर हो भाई डीजे आलोक दे दो। अब उन्हें क्या समझाऊं कि गाइस मैंने अभी तक अपनी आईडी में टॉप अप नहीं किया तो तुम्हें क्या डीजे आलोक दे दूं, जब मैं खुद कमाने लगूंगा तो मैं खुद गिव अवे करने लगूंगा। तो वो लोग भी यार इतने छोटे हैं, मतलब छोटे भी नहीं है, 10 से 15 ईयर के हैं वो, लेकिन फिर भी वो डीजे आलोक मांगते हैं। वो कहते हैं कि यार मुझे ओ दे दो, ये दे दो, मुझे टॉप अप कर दो भाई, ये निकालना है मुझे, मतलब ऐसा ही ऐसा वो करते रहे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चोरी भी करने लगेंगे, मतलब वॉलेट में से पैसे भी निकालने लगे थे, ऑनलाइन ऐसा भी करने लगेंगे भाई ऐसे बच्चे। तो गाइज ऐसा मत करो, क्योंकि गाइज इनका वो आप ही का घाटा है, गैरिना फ्री फायर का कोई घाटा नहीं है इसमें। इंडिया सर्वर से बैन भी हो जाता तो गाइज अदर सर्वर भी है, अदर सर्वर से वो कमाने लगेंगे, पहले इंडिया सर्वर से कमाते थे अब वो अदर सर्वर से कमाने, इतना कोई नहीं होगा। लेकिन गाइज जो खेलते हैं इस गेम को वो उसे तो बुरा लगेगा कि ऐसे बच्चे, इनके बच्चे से गेम ये बैन हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा भी हो सकता। लेकिन गाइज ऐसा मत करा करो, तो बस मेरी इतनी विनती थी। तो मैं इसमें लाइक एम भी नहीं रखूँगा, और आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लो।